दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सलमान खान की अपकमिंग मूवी यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 13 मई को यानी कि ईद पे रिलीज़ हो रहा है। बट फ्रेंड्स, उससे पहले जो है सलमान खान ने एक बड़ा सा धमाका किया है, बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट दिया है, वो भी कहाँ, अपने ट्विटर अकाउंट पे। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया है कि राधे मूवी का जितना भी कलेक्शन आएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड जितना भी कलेक्शन आएगा, सब कहाँ जाएगा, कोविड-19 रिलीफ में। जी हाँ फ्रेंड्स, गिव इंडिया नाम आपने सुना होगा, सारा पैसा इनका, एक पैसा भी ये जो अपने पास नहीं रखेंगे फ्रेंड्स। इसे कहते हैं भाई का दिल नहीं, दरिया है दरिया, जितना मर्जी तुम उसमें डूब लो, मरोगे नहीं कभी भी और खाली हाथ नहीं आओगे वापस। सो फ्रेंड्स, देखा अपने भाई का दरिया दिली, जिन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि जितने भी कलेक्शन होगा मेरी मूवी से, राधे मूवी से, सबका पैसा जो है ये कोविड रिलीफ में जाएगा, गिव इंडिया में जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं गिव इंडिया क्या है। एक्चुअली में गिव इंडिया जो है एक संस्थान कह सकते हैं आप, जिसमें जो है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, सभी जो है इसमें जो है डोनेट करते हैं अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो। जैसे कि आप ले लीजिए प्रियंका चोपड़ा को, रहती है USA में, बट फ्रेंड्स वहाँ से वो गिव इंडिया में जो है डोनेट करती है, किस लिए, ताकि वो देश के काम आ सके, वो पैसा जो ज़रूरतमंद है उनको मिल सके, पैसा किसी काम में लग सके। अभी जैसा सिचुएशन बना हुआ इंडिया में कोरोना को लेकर, जिस तरह से कोरोना ने अपना पैर पसार रखा है फ्रेंड्स, ऐसे में गिव इंडिया पे जो हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जो हैं डोनेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ से जो है कभी भी मुसीबत आती है इंडिया पे, तो वहीं से जो पैसा लेके जो है उसको यूज में लिया जाता है। सो वहीं जो सलमान खान की जो राधे मूवी है, इसका जितना भी कलेक्शन आएगा सारा गिव इंडिया में ही जाने वाला ही है, अपने पास जो एक पैसा तक नहीं रखेंगे। वहीं फ्रेंड्स, जैसे ही सलमान खान ने इस बात की अनाउंसमेंट की, वैसे ही जी म्यूजिक जो कंपनी है यूट्यूब में, आपने देखा होगा जो सलमान की मूवी राधे का जितना भी गाना है सब जो उसी पर रिलीज हुआ है, उसी पर लॉन्च हुआ है। सो फ्रेंड्स, जी म्यूजिक कंपनी ने भी कह दिया है, भाई जी आपके गाने का जितना भी कलेक्शन आएगा सब गिव इंडिया में जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अब फ्रेंड्स जैसा सलमान खान ने शुरुआत कर दिया है, अब देखना जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, इनकी भी मूवी आएगी तो देखना ये लोग भी ऐसे करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो इंडिया है ये नकलची बंदर है, नकल करने में सबसे आगे है। सो एक दूसरे का देखा देखी तो करते हैं, बट फिर भी देखा देखी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, सो इसमें हर्जी क्या है। सो फ्रेंड्स, अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो हेटर्स थे इसके, सलमान खान के, जो कहते थे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, यानी कि फिल्मी इंडियन की दीक्षा शर्मा, उस साली में तो कुछ ज़्यादा ही चुल्ला है, उसी वही कहती थी कि सलमान भाई आप जो इतनी की 55 की एज में हो गए, फिर भी जो है अपनी उम्र से छोटी लेडीज़ के, लड़की के साथ डांस कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, अब कहें साली तू, अब जाके बाहर निकल और देख भाई का कैसे करके भाई ने जो अनाउंसमेंट कर दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं, भाई की कोई सी भी मूवी हो, चाहे वो ट्यूबलाइट क्यों ना थी, जो कि सबसे बकवास मूवी, वो भी जो है हिट गई है, 400-500 करोड़ जो है उसने भी कमा लिया है। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं राधे मूवी, इसके जो है 500-600 करोड़ तो कहीं नहीं गए, और वो समझ लीजिए सारा कहाँ जाएगा, सीधा कोविड-19 रिलीफ में यानी कि गिव इंडिया में। सो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं भाई का दरिया दिल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स अगर आप सलमान के फ़ैन हैं तो यार कमेंट किए बिना तो रह नहीं पाओगे। सो फ्रेंड्स, आप भी जो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो सलमान द्वारा लिया गया अनाउंसमेंट, लिया गया उनका कदम, आपको कैसा लगा, उनके द्वारा लिया गया स्टेप आपको कैसा लगा, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।